विक्ट्री विक्ट्री आप ही करिए। हाँ ये हाथ ऊंचा करो जरा, ये अरे हो जाए यार, नहीं हो जाए भाई, चलो भाई। नगर निगम महापौर प्रत्याशी में भारतीय जनता पार्टी की गीता अग्रवाल 45,884 मतों से विजयी हुई है। निकिता सूर्यवंशी 3,798, विनोदनी रमेश व्यास 43,618, चाना ज्ञानेश 7,534, जुबेदा हातम दरबार 6,913, मनीषा दीपक चौधरी 12,367, नोटा 1690, टोटल जो हैं ये नोटा मिला के ये है 1,65,422 मतदान। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, यहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी मौजूद हैं। यहाँ पर अपने बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं निकिता सूर्यवंशी, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, क्या कहेंगे आप जो अभी परिणाम आ रहे हैं उस पर? परिणाम से तो ठीक है, अब क्या बोल तो कुछ भी नहीं सकते सर। थोड़ी सी निराशाजनक बात है कि उन्होंने योग्यता नहीं देखी, मतलब उन्होंने सिर्फ पार्टी देखी, पार्टी देख के उन्होंने वोट दिया या जो भी चीज़ें सामने आई। आप प्रत्याशी जो खड़ा है आप उसकी योग्यता नहीं देख रहे, तो वो आपको अगर वो ले डूबे तो इसमें फिर हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। चलिए ये थी अपनी विडम्बना है, उनका काफ़ी रोष भी है, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ जो कांग्रेस पार्टी से जो वार्ड क्रमांक 6 के प्रत्याशी उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। अच्छा भैया ये बताएं कि आप तो जीते हैं, पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त भी थे, लेकिन जो लोगों का आपके क्षेत्र में कुछ अलग अलग नारे चल रहे थे, क्या कहेंगे, थोड़ा कुछ बताएं आप? सबसे पहले तो मैं अपनी वार्ड की जनता का बहुत बहुत दिल से और गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बुलंदी पर पहुँचाया। तो सभी को मैं सलाम करता हूँ और नमस्ते करता हूँ कि उन्होंने मेरी इज्जत रखी और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया और दुआओं से नवाजा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा पूरे देवास शहर की जनता से कि दो चार को वफादार मत कहो और पूरी नौसराबाद को गद्दार मत कहो। ये बिल्कुल सही कहा है प्यारे मियां पठान साहब ने कि जो बातचीत चल रही थी, ये एक निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो भी जीते हैं। जी बधाई हो आपको, धन्यवाद जी। आप बताएं, आप पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे, इस बार भी आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आप 1400 के करीब मतों से जीते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? भैया कहना कुछ नहीं है, जो पब्लिक का काम करेगा पब्लिक उसको वोट देगी, और वार्ड में मैंने काफ़ी काम किया था, पार्टी टिकट दे नहीं दे उससे महत्व नहीं रहता, महत्व ये रहता है कि जनता के बीच में निरंतर लगे रहोगे तो बिल्कुल लोग वोट देंगे और जिताएंगे, और ये व्यक्तिगत चुनाव था, पार्टी का चुनाव नहीं था दादा। ये मैं हमारे जो साथी हैं मुर्तजा सैफी जी, उनसे चाहूँगा कि वो उस तरफ का भी एक नज़ारा दिखाएं कि जहाँ जीत के लिए लोग तैयार रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत उपाध्याय जी। जी आप भाई साहब बताएं, ये जो देखिए नगर निगम के जो चुनाव 13 जुलाई को हुए थे उसकी आज मतगणना यहाँ पर चल रही है।